नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिंदगी लाइफ पर। आज आप देखने वाले हैं कि गुलाब के पौधे को गुलाब के बीज से किस प्रकार तैयार किया जाता है। दोस्तों, जब भी आपको गुलाब के पौधे को गुलाब के बीज से उगाना हो तो गुलाब के पौधे में 2-4 फूल लगे रहने दें। उन्हें तब तक ना तोड़ें जब तक वह सूख ना जाएं। और जब गुलाब के 2 से 4 फूल आप छोड़ देंगे तो वह लगभग 1 महीने के अंदर अंदर सूख जाएंगे और कुछ इस प्रकार दिखने लगेंगे। तो दोस्तों, गुलाब का फूल सूख चुका है और इसकी केवल एक कली बची रह गई है। इसके नीचे ये सीड पॉट तैयार हो गया है। जब इसका रंग ऑरेंज या रेड हो जाए तो समझिए कि यह बीज तैयार हो गया है और हम इसे नया गुलाब का पौधा उगाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इस बीज को तोड़ लूँगा और आपको बीज से गुलाब का पौधा तैयार करना दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, गुलाब के बीज से गुलाब का पौधा लगाते हैं। ये गुलाब के बीज हैं, इन्हें रोज सीड्स भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में गुलाब के बीज। अब मैं इनको छीलूंगा। तो दोस्तों, पहले इन्हें साफ कर लें। इन्हें नाखून की मदद से धीरे से ऐसे खोल लेना चाहिए। ये दोस्तों देसी गुलाब के बीज हैं, इंग्लिश गुलाब बीज से नहीं उगाया जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश गुलाब का बीज लग जाता है। मैंने तो आज तक इंग्लिश गुलाब का पौधा गुलाब के बीज से उगते हुए नहीं देखा। इंग्लिश गुलाब को लगाने के लिए उसकी कलम भी उतनी सक्सेस नहीं है। इंग्लिश गुलाब को लगाने का केवल एक ही तरीका है, वो है देसी गुलाब के साथ उसकी ग्राफ्टिंग करना। देसी गुलाब कलम से बीज से लग जाता है और इंग्लिश गुलाब केवल और केवल ग्राफ्टिंग से ही लगाया जा सकता है। मैं दोस्तों ग्राफ्टिंग पर भी आपको एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि ग्राफ्टिंग किस प्रकार करनी चाहिए। दोस्तों, बीजों को आराम से निकाल लें हाथों से। तो दोस्तों, मैंने गुलाब के बीजों को निकाल लिया है। अब मैं इन बीजों को ज़मीन में रोपित करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, गुलाब के बीज लगाने से पहले यह ज़रूर गिन लें कि हम कितने गुलाब के बीज लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे हथेली में 7 बीज हैं और मैं इन 7 बीजों को ज़मीन में रोपित कर दूंगा और फिर देखता हूं कि यह कितनी देर में पौधे का रूप ले पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन बीजों को ज़मीन में लगाते हैं। दोस्तों, जिस स्थान पर हम गुलाब को लगाने जा रहे हैं उस स्थान को खरपतवार मुक्त कर देना चाहिए और अच्छे से साफ सफाई भी कर देना चाहिए, ताकि यदि हमारा गुलाब का पौधा अंकुरित हो तो हमें वह दिखे कि वह किस प्रकार विकसित हो रहा है। ज़्यादा खरपतवार गुलाब के पौधे के विकास में बाधक होती है। सबसे पहले हमें एक खुरपी चाहिए जिससे हम मिट्टी को खोदेंगे और हमें एक मग पानी भी चाहिए। जिस स्थान पर आप पौधा लगाना चाहते हैं उस स्थान पर 1-2 दिन पहले थोड़ा पानी का छिड़काव कर दें, ताकि मिट्टी को खोदने में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिट्टी को खोदता हूँ। और ये कूड़ा करकट भी साफ करते जाना है।
ताकि हमारे बीज में पौधे में किसी प्रकार की फफूंदी फंगस ना लग सके। दोस्तों, मिट्टी में जो ये बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, इन्हें हाथों से इस प्रकार मसल कर सॉफ्ट कर देना चाहिए। ये बड़े बड़े टुकड़े पौधे के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इस प्रकार हाथों से इसे बारीक कर देना चाहिए। दोस्तों, इसमें से कुछ मिट्टी हम निकाल कर रख लेंगे, जब हम बीजों को लगा देंगे तो उसके ऊपर मिट्टी को डाल देंगे। थोड़ा सा दोस्तों मिट्टी को बारीक बारीक और खोद देंगे, ताकि जब बीज बड़ा हो तो उसकी जड़ों को फैलने में आसानी हो। तो दोस्तों, ये मैंने बीज बोने की ज़मीन यहाँ पर तैयार कर दी है। जो ये बीज हम बोने जा रहे हैं, इन बीजों को किसी साफ टिश्यू पेपर में रख लेना चाहिए, क्योंकि इनमें फंगस बैक्टीरिया जल्दी लगने का खतरा होता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप ये गार्डन वर्क करें तो उससे पहले बीजों को टिश्यू पेपर में सावधानी से रख दें। तो दोस्तों, अब मैं इन बीजों को बोने जा रहा हूँ। मैं 7 बीजों को बोऊँगा। देखिए दोस्तों, ये 7 बीज हैं। इन 7 बीजों को मैं ज़मीन में बो दूंगा। तो दोस्तों, मैं 7 छोटे छोटे गड्ढे तैयार करूंगा खुरपी की सहायता से। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दोस्तों, जो ये गड्ढे हैं, बिल्कुल मुश्किल से 2 सेंटीमीटर तक ही गहरे करना है, ज़्यादा गहरे गड्ढे नहीं करना है। और ये 7 दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मैंने 7 होल बना लिए हैं। इन होल्स की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर ही रखनी है, ज़्यादा गहरे होल हमें नहीं रखने हैं। तो दोस्तों, अब मैं बीजों को रोपित कर देता हूँ। दोस्तों, इन बीजों के ऊपर हमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देनी है। दोस्तों, ये बीज रोपित हो चुके हैं। अब मैं इनके ऊपर धीरे धीरे पानी का छिड़काव कर दूंगा। दोस्तों, बिल्कुल भी जोर से पानी नहीं डालना है, बिल्कुल धीरे धीरे पानी डालना है, नहीं तो हमारे बीज बह सकती है, उनके ऊपर की मिट्टी हट सकती है। इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पानी डाल दें। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने गुलाब के बीजों को रोपित कर दिया है। अब कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे गुलाब के बीजों को अंकुरित होने में, और जब यह बीज अंकुरित होंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और यदि अंकुरित नहीं होंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा, और जो कमियां रह गई हैं उन पर मैं मनन करूंगा कि किन कारण हमारे बीजों का अंकुरण नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों, आप मेरे चैनल पर बने रहें, और जब भी यह बीज अंकुरित होंगे तो मैं सबसे पहले आपको अपने चैनल पर इन बीजों को दिखाऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकॉन बटन को भी अवश्य दबा दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत करूं तो आप उस वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। इसी के साथ दोस्तों, आज की यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।